हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं लेके आया एक नया बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है अभी, बट सून एक रियलिटी होने वाली है। सोनी कैमराज और सोनी जो कंपनी है, काफ़ी कैमराज में काफ़ी माहिर है, वो कंपनी अब ड्रोन इंडस्ट्री में उतरने वाली है। यस, सोनी का ड्रोन आने वाला है कमिंग स्प्रिंग में, और उस ड्रोन का नाम है एयर पीक। यस, सोनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, प्लान लॉन्च कर दिया है। एयर पीक के नाम से एक ब्रांड आएगा सोनी का, जो कि ड्रोन होगा। एंड दिस ड्रोन हैज कैपेबिलिटी टू लिफ्ट सोनी A7 सीरीज के जो कैमराज हैं, फुल फ्रेम कैमराज को लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी होगी, और इसके साथ रिमोट एवरीथिंग जो ड्रोन करते हैं DJI के। तो क्या है ये, कैसा दिखता है, और क्या है इसके बारे में खास बात, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें ड्रोन लवर्स। और अगर आप नए चैनल में, तो प्लीज हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ड्रोन लवर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यस, जैसे आपको मालूम लग गया है कि सोनी ने एयर पीक नाम का एक ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है अभी पिछले हफ्ते, और ये इस प्रोजेक्ट के तहत आपके पास यू विल गेट अ न्यू ड्रोन फ्रॉम द सोनी। अब दिखने में ये ड्रोन काफी, सोनी इसको छोटा कह रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू DJI इट इज वेरी बिग एंड बल्की, नंबर वन। बट एक बात तय है कि जो पिक्चर क्वालिटी एंड द वीडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि सोनी के बेस्ट कैमराज इस पे अटैच हो सकते हैं, और आप उसको उसके हेल्प से डिफरेंट इंटरचेंजेबल लेंसेस, मिररलेस कैमराज इस पे A7C जो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैं मानता हूँ, विद वेरी फास्ट फोकस एंड एवरीथिंग, और विद सोनी लेंसेज एंड लेंसेज की आपके पास एक कैपेबिलिटी हो जाएगी चेंज करने की, जो कि अभी तक नहीं थी इतनी DJI के ड्रोन्स में, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और प्रोफेशनल, बेसिकली ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ही फिलहाल बनाया गया है। हमारे जैसे कंज्यूमर्स जो इतना हाई एंड नहीं लेना चाहेंगे अभी ड्रोन, और क्योंकि वो बहुत बल्की है दिखने में लग रहा है, अभी जैसे मैं आपको दिखा वीडियो में क्लिप्स में आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ अ ह्यूज वन। बट एक बात तय है कि क्वालिटी के हिसाब से ये ड्रोन जो है बहुत बढ़िया करने वाला है, क्योंकि सोनी के कैमराज और लेंसेज दोनों ही लाजवाब हैं, एवरीबडी नोज दैट। एंड सोनी इज गोइंग टू लॉन्च दिस, एंड आई थिंक द पैकेज इंक्लूड सोनी कैमराज ऑल्सो, जो लेटेस्ट सीरीज के कैमरा है सोनी के मिररलेस, वो इसके साथ आपको मिलेंगे। अब खास बात इसमें यह है कि सिर्फ अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं, फ्रॉम द पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि काफी ह्यूज कैमरा, बहुत ही ह्यूज ड्रोन है, और पूरा टैब इसके साथ ऑलमोस्ट आप कनेक्ट करके इसको कंट्रोल करेंगे। और अभी सोनी ने कुछ भी नहीं लीक किया है इसके बारे में कि कैसी स्पेक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से ये कनेक्ट करता है रिमोट से, क्या रेंज है। बट ओवरव्यू से और अपने एक्सपीरियंस से और बाकी जगह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चार चीज़ें मैं इसकी बताऊंगा। नंबर वन कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा एयर के अंदर, क्योंकि काफ़ी भारी और काफ़ी बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई है इसके साथ, तो विंड वगैरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, नंबर वन। दूसरी खासियत इसकी ये होगी कि इसके साथ आपको कैमराज, सोनी के बेहतरीन कैमराज आपको मिलेंगे, जो कि आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाएंगे लेंस चेंज करने की। एक डिफॉल्ट लेंस मिलेगा, उसके बाद आप जितने भी लेंस हैं जो आपके पास रेगुलर हैं, वो इसके बाद अटैच करके वाइड फोटो, जैसे भी आपने सिनेमैटिक ऊपर से लेना है, एयर शॉट लेना है, ड्रोन शॉट लेना है, वो आपसे ले पाएंगे। नंबर थ्री, इसमें बेसिकली जो प्रीमियम लेवल का जो कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे, जैसे कि DJI रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करके कनेक्ट करता है और काफ़ी लंबी रेंज मिलती है, तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी पर डेफिनेटली ये बेस्ड होगा, क्योंकि इतना हैवी जब कैमरा इसका लग रहा है और उसको कोई भी होना नहीं चाहेगा, तो डेफिनेटली जो कनेक्टिविटी होने वाली है बहुत बेहतरीन होगी, और वाईफाई ये कतई नहीं होगा, क्योंकि वाईफाई की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। सो दिस ड्रोन वोंट बी ए वाईफाई ड्रोन, इट विल बी डेफिनेटली बी लाइक ऑक्यूसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ DJI, विच कनेक्ट्स वेरी एफिशिएंटली एंड अलाउज यू टू फ्लाई ड्रोन बियॉन्ड 7 किलोमीटर इवन, सो लाइक दैट। तो काफ़ी अच्छी रेंज का ड्रोन होगा। एंड लास्ट, इसकी क्वालिटी ये होने वाली है कि जैसे आप इसमें जूम कर पाएंगे, क्योंकि आप जूम लेंस लगाएंगे, तो जूम भी विद अपर्चर एंड जूम लेंथ ऑफ योर चॉइस, बिकॉज जैसे हमारा ये बेसिकली इट इज जस्ट लाइक ए फ्लाइंग DSLR,
जैसे आपके पास DSLR या मिररलेस कैमरास में इंटरचेंजेबल लेंसेज की पूरी चॉइस होती है, वाइड लेंस लेना है, अपने फोकस अपर्चर फिक्स कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अब आप इस ड्रोन में कर पाएंगे। और इसका पेलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी कैपेबल ड्रोन होगा डेफिनेटली। एंड स्प्रिंग में आपको पूरी इसकी स्पेक्स देखने को मिलेंगी। एंड मेरा जो है अभी तक, इसके बेसिकली दो वर्जन्स निकल कर आएंगे मेरे हिसाब से, ये मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि सोनी जब कोई चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो उसके एक दो मॉड्यूल्स, मतलब दो तीन तरह के मॉडल्स रखता है, ताकि वो काफ़ी कस्टमर्स को टारगेट कर पाए। तो पहला टारगेट इनका होगा प्रोफेशनल्स, जो कि ये हैवी एंड हाई एंड लेंगे, दूसरा हमारे जैसे कंज्यूमर्स। तो उसके लिए आई थिंक पॉइंट एंड शूट कैमरा भी लग सकता है इसके साथ, जो इनके छोटे रेंज के कैमराज हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे सोनी अभी ZV-1 सीरीज का निकाला है कैमरा इन्होंने, बहुत बढ़िया कैमरा, स्मॉल कैमराज, तो आई थिंक उसमें थोड़े रोटर कम होंगे और थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा, ये मेरा गेस है। फिलहाल उन्होंने जो लॉन्च के दौरान दिखाया है ड्रोन, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो काफ़ी ह्यूज है और वो प्रोफेशनल्स के लिए है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये बेसिकली कंपटीशन करेगा जो DJI का टॉप एंड प्रोफेशनल ड्रोन्स आपके पास आते हैं उसके साथ ये कंपटीशन करेगा बेसिकली। तो जो फैंटम सीरीज के ड्रोन है आई थिंक वो कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली सोनी ऐसा ड्रोन बताएगा। अब आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको ये ड्रोन कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं कि प्रोफेशनल और कंज्यूमर लेवल के अलावा क्या ये बजट कैटेगरी में भी सोनी ड्रोन निकालेगा या नहीं। मेरे हिसाब से सोनी इन्हीं दोनों कैटेगरी में रहेगा, बजट कैटेगरी में अभी जाने का आई डोंट थिंक सो वो करेगा। बाकी आप बताएं, हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, और सोन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम करेंगे। आप क्वेश्चन उस क्वेश्चन में जरूर लिखें उस कमेंट्स में, और इस कमेंट इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।